मंगलवार को तुलसी घाट पर संपन्न होने वाली नागनथैया श्री कृष्ण लीला को देखते हुए वाराणसी के डीएम और अपर पुलिस आयुक्त एवं चेनप्पा सहित नगर निगम के अधिकारियों ने तुलसी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी साफ सफाई और घाट पर हो रहे कार्य को लेकर काफी नाराज नजर आए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसे तत्काल ठीक कर लिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मैन पावर बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने आज रात तक घाट को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए निर्देशित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अभी 3 बड़े आयोजन घाटों पर होने जा रहे हैं, इस कार्य को समय से पूरा कर ले, सफाई एकदम सुनिश्चित कर ले, बैरिकेडिंग की व्यवस्था तथा लोगों को मूवमेंट का व्यवस्था प्रॉपर रहे, पेयजल व्यवस्था, चेंजिंग रूम और शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। नागनथैया लीला को लेकर उन्होंने कहा कि लोकल लोगों से बातचीत हुई थी, सफाई की व्यवस्था चल रही है क्योंकि सफाई एक अनवरत काम है, वह चलता रहेगा। बैरिकेडिंग लगभग पूरी होने जा रही है। मंदिर प्रशासन जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसको जिला प्रशासन समन्वय स्थापित करके उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूर्ण कराई जाएगी। 3 बड़े आयोजन होने जा रही है, उसको लेके नगर निगम और अन्य विभागों के साथ तैयारी करने के लिए एडिशनल सीपी साहब के साथ इसकी निरीक्षण कर रहे हैं। सर, दीपावली के लिए, अरे ये दीपावली डाला छठ को लेकर क्या तैयारियां, क्या किस तरह की साफ सफाई? नहीं, सफाई की चल ही रहा है और इसको जो सिल्ट जो जमी हुई है इसको निकाल के उसको लेवल करने की काम भी इसमें चल रहा है। क्या निर्देशित किया गया? नहीं, इसको समय से पूरा कर लें, सफाई एकदम सुनिश्चित कर लें और बैरिकेडिंग की व्यवस्था और लोगों के मूवमेंट का जो प्लान है वो प्रॉपर रहें, उनके लिए जो पब्लिक अम्यूनिटीज़ है पेयजल की और जो शौचालय की, उसकी चेंजिंग रूम की, ये सारे व्यवस्थाएं रहें।